सब्सक्राइब कीजिए आपके चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। क्या मांगा भगवान से? मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग। मेरी माँ रोती है, उनके लिए सब्र। मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती है, उसके लिए पैसे। तुम स्कूल जाते हो? हाँ जाता हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं भैया, मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाता हूँ। माँ चने बना के देती है, मैं वह स्कूल में बच्चों को बेचने जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते, यही मेरा काम है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर गया था। ना चाहते हुए भी मैंने उससे क्वेश्चन किया, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? माँ कहती है गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं रहता। माँ झूठ नहीं बोलती, कभी कभी ऐसा लगता है माँ झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं तब माँ देखती रहती है। मैं कहता हूँ तुम भी खाना खा लो, तो माँ कहती है तुम खाओ, मैंने खा लिया। उस समय लगता है कि माँ झूठ बोलती है। बेटा, तुम्हें घर का खर्चा मिल जाए तो तुम पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करने वाले लोग गरीबों से नफरत करते हैं। भैया, हमें किसी पढ़े हुए ने नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। उस वक्त मैं हैरान भी था और शर्मिंदा भी। मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा। मेरे पिताजी को सब जानते थे, लेकिन मुझे कोई नहीं। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल है। मंदिर में सीमेंट या अन्न की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना, शायद उसे आटे की बोरी की ज्यादा जरूरत हो। इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता तो उसे भूख मत दे, उसे भूख देता तो दो वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं है।